तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शाम के बज गए 4 और हम आ गए हमारे खेत में। तो हवा तो बहुत आ रही है, मुझे लग रहा है शायद यहाँ पे आपको आवाज़ आ रही है या नहीं, मुझे पता नहीं, मगर हम आ गए खेत में। तो अपने खेत में तो नहीं है, हम दूसरे के खेत में, अपने फ्रेंड के खेत में। तो यहाँ देख सकते हो, भैंस चराने के लिए मैं आया था। ये देखिए, भैंस को यहाँ पे चरा रहा हूँ। और यहाँ से अभी हम सोच रहे थे कि अभी चराएंगे भैंस, दोपहर को 2 बजे छोड़े थे। अभी तक हम यहाँ पे ही है, थोड़ा दूर आ गए। हमारा जो फार्म हाउस है वहाँ से थोड़े दूर आ गए थे, और हो गया शॉट ऐसा कि अभी बारिश आने वाली है। अभी आप बोलेंगे कि कब कैसे आएगी, इसको कैसे पता चलेगा, इसको कैसा पता। तो मैंने पिछले किसी वीडियो में बताया था कि यार किसान का बेटा हूँ, समझ में आ जाता है, आराम से समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बादल आ गए और वो बारिश, वहाँ पे बारिश हो रही है अभी। वो कम से कम 40 किलोमीटर तक वहाँ पे है, वहाँ से आने को कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा। तो ये कम से कम 1 घंटा 2 घंटे में आ जाएगी। तो देखेंगे बारिश यहाँ तक आती है क्या नहीं, मेरा अंदाज़ा सही रहता है या नहीं, वो देखेंगे। तो जब तक हम भैंसे चराएंगे और थोड़ी बहुत बातें करेंगे आपके साथ, क्योंकि बारी के वीडियो के बाद अपना ये पहला ब्लॉग आया है जो इतने दिन से नहीं बनाया था मैंने खेत में आके। तो अभी से स्टार्ट होंगे और कंटिन्यू होंगे वीडियो अपने चैनल पे, आपके अपने चैनल पे बने रहना और अपने चैनल को सपोर्ट करना, क्योंकि ज़रूरत है भाई, थोड़ी बहुत ज़रूरत है आपकी भी, और आपके लाइक कमेंट शेयर का भी ज़रूरत है मेरे को, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यार वीडियो बनाना। तो बस लाइक शेयर कमेंट इसके लिए तो बनाना पड़ता है, क्योंकि मुझे भी लगता है कहीं लोग मुझे जान ले और मेरी लाइफस्टाइल जान ले या मैं क्या करता हूँ वो भी जान ले। इतना होता है कि कभी कभी दूसरा जो बिजनेस है अपना, उससे होता है कि जब भी अपना जो प्रेशर पड़ेगा काम का, तो मुझे वीडियो डालना थोड़ा मजबूरी होती है, नहीं डाल सकता हूँ मैं। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। फिर भी मैं अभी से बोलता हूँ कि एक दो दिन छोड़ के अपना वीडियो कंटिन्यू रहेगा, और उसके बाद आपका सपोर्ट है। वारी के वीडियो में आपने बहुत सारा सपोर्ट दिया हमको, और अपने मेन बात ये है कि अपने जो 1000 सब्सक्राइबर है, 1000 से आगे हो गए हैं, और जो 1000 सब्सक्राइबर की फैमिली है अपनी, वो पूरी हो गई है। और आगे ही 1000 से आगे कितना होगा आप पे डिपेंड है, और चलिए देखेंगे अभी क्या क्या होता है क्या नहीं। तो यहाँ पे भैंस है और हम चरा रहे हैं। यहाँ से आता है रास्ता, जो मेन रास्ता है आप देखे होंगे किसी वीडियो में, वहाँ पे जो गांव का रोड है वहाँ पे है, और वहाँ से ये सीधा रास्ता ऐसा मेरे फ्रेंड के वहाँ पे जाता है। यह हमारे सगे भी है वहाँ का, वहाँ पे आया हूँ। और खेत में होता ऐसा है कि अभी यहाँ पे बुआई हो गई है, या हमने ही बुआया था, ट्रैक्टर से बुआया था। शेंगा मूंगफली जो रहती है उसकी बुआई हो गई है, यहाँ पे मकई डालने का काम चलेगा, और उसके बाद यहाँ पे तूर और उड़द इसकी जो बुआई है वो भी हो गई है। ये देख सकते हो, यहाँ पे पूरी वो जो ये है उसके जो पौधे हैं वो ऊपर आ गए ज़मीन के, और हवा तो बहुत तेज आ रही है यार। कम से कम मुझे लग रहा है अभी बारिश जल्दी ही आएगी। उस साइड पे बारिश ही देखिए, वहाँ पे उस साइड पे बारिश आ रही है, वहाँ से अभी देखेंगे 1.5 घंटे में वहाँ से बारिश आएगी या नहीं। और वहाँ पे बैल का काम चल रहा है, ये देख सकते हो छोटा सा वो, और वहाँ पे जो है वो NTPC है, उसका जो चिमनी है वो दिख रहा है हमको। और यहाँ पे भी बारिश हो रही है अभी उस साइड, वहाँ उस साइड पे सोलापुर है, सोलापुर के आगे जो कुंभारी वगैरह हैं वो साइड है, वहाँ पे बारिश हो रही है अभी। ये बारिश मुझे लगता है हल्की हल्की बारिश आएगी अभी, क्योंकि एक डेढ़ घंटे में तो पता चलेगा ये बारिश कितनी आएगी क्या आएगी, इतना भी परफेक्ट नहीं बताऊँगा, फिर भी बारिश आएगी इतना गारंटी है अपने को। जब बारिश आएगी तभी भीगते भीगते यहाँ से जाएंगे, देखेंगे क्या होता है आगे। और ये बुआई हो गई है, यहाँ पे नई जो खेत का बॉर्डर रहता है वो डाला हुआ है, जो सरकार के यहाँ से आता है।
हैं जो बॉर्डर पे, ये क्यों करते हैं कि यहाँ पे पानी, बारिश का पानी रुक जाए, अभी यहाँ से पानी आगे नहीं जाएगा तो यहाँ पे पानी जमेगा तो यहाँ से पूरे खेत खलिहान को पानी होगा, जो बोरवेल है, जो कुआ है, उनको सबको पानी, जो स्तर रहता है पानी का ज़मीन के नीचे, वो बढ़ जाता है और उससे खेती भी अच्छी हो जाती है। धूप के मौसम में पानी की कमतरता नहीं होती है, जो किल्लत रहती है पानी की वो ज़्यादा नहीं रहती। और बहुत दिन हो गए मैंने भी नई वीडियो बनाया था, और आपके लिए वीडियो बनाना तो बनता ही है। तो सीन ऐसा है कि अभी हम बैठे हैं हमारे गांव के किसी खेत में, तो मुझे हिचकी आ रही है यार। वो मैंने ये जामुन खाया था, जामुन, ये जो पेड़ है ना, एक बार वो वीडियो बनाया था मैंने, जामुन का पेड़ है और ब्लैकबेरी जो ये रहता है उसका वीडियो बनाया था मैंने। उस वीडियो में जो बनाया था वहाँ पे आए थे ना, वही का वीडियो अभी वहाँ वही के खेत में आया था। ये देखिए वहाँ का, वहाँ पे जामुन के पेड़ है, वहाँ से जामुन खाया था, अभी भी है। अभी तो हम दिखाएंगे आपको बाद में, जब अभी जामुन तो ख़त्म होने को आए, क्योंकि जब बारिश का मौसम स्टार्ट होता है तब ये स्टार्ट होते हैं, जून में कुछ लगने को, उसको जो पकने को चालू होते हैं, उसके बाद एक महीने, एक मंथ ही रहता है, उसका बाद जुलाई अगस्त तक ये ख़त्म हो जाते हैं पूरे, और उसका सीज़न वही रहता है। उस टाइम पे खा लेना चाहिए आदमी को, जो इंसान है उनको खाना चाहिए, क्योंकि उससे बीमारी वगैरह नहीं होती है और वो आयुर्वेदिक भी रहता है। तो सीन ही ऐसा ही रहता है गाँव में, जो भी मिलता है ना, जिस मौसम में जो भी मिलेगा वो खाना पड़ता है, और खाना ही मांगता है, क्योंकि अगर नहीं खा लिया तो सिटी में जैसा रहते हैं ना लोग, उस टाइप हो जाता है आदमी, क्योंकि यार कोई भी बीमारी रहने दो या कोई भी कुछ भी शरीर में आ जाती है। तो गांव के लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा गांव के लोग जो है बीमार नहीं पड़ते, और अगर बीमार पड़ गए तो भी इतना ज़्यादा नहीं पड़ते, क्योंकि उनको 20-40 हज़ार 50 हज़ार जो अस्पताल को डालना पड़ता है उतना नहीं होता है, बस नॉर्मली 200-400-500 तक हो जाता है, उसमें से बस उतना ही दवाखाना का खर्चा आ जाता है, तो उतने में ही वो ठीक हो जाते हैं बस, क्योंकि वो गांव का जो ऑर्गेनिक जो रहता है, जो ये रहता है अच्छा, सब फ्रेश रहता है और अच्छा वाला मिलता है ना सब। ये अपनी भैंस है, अभी इसको खींच रहा हूँ, नहीं आ रही है यार, इतना खाएगी कहाँ जाएगी तू, खा खा के ऐसे बड़ी हो जाएगी, भैंस जैसी भैंस ही है तू, तो इतनी बड़ी हो जाएगी ना। तो अभी इसको मैं अभी बैठूँगा यहाँ पे, बैठ के और बात करूँगा आपसे, क्योंकि यार मेरे पैर दुख रहे हैं अभी बहुत, और बाद में भूख भी लगी है अपने को, मगर इनको फर्स्ट इनको खाना दिलाना मांगता है, उसके बाद हम खाएंगे घर पे जाके। तो हवा तो बहुत तेज आ रही है यार, इस हवा की वजह से मुझे लगता है यार वॉइस भी नहीं, ठीक से नहीं आ रही शायद अपने को। अपने जो ये मोबाइल है ना, जहाँ पे मैं ब्लॉग बनाता हूँ इसमें, तो उसका जो ये है, मैंने फ्लिपकार्ट इससे मंगाया था एक माइक, वो नहीं चलता यार, क्योंकि मुझे पता नहीं अभी क्यों नहीं चलता। इस पे लगाया तो वॉइस मेरा जितना है उतना ही आएगा, अभी जितना आ रहा है उतना ही आएगा। तो आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो, ये है ना बादल आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो थोड़ी बहुत होगी, ज़्यादा नहीं है, मुझे इतना ऐप से भी ज़्यादा परफेक्ट बताऊँगा, मगर आएगी बारिश उतना है। अभी तो हमारी चाची वहाँ पे है, भैंस चरा रही है, जो हमारा फ्रेंड था ना वो आकाश माली, उनकी माँ है वहाँ पे, भैंस चरा रही है, तो हम भी आए हैं यहाँ पे ही, और वो हमको देख के हंस रही है ज़ोर ज़ोर से, ये पागल है क्या कर रहा है हमारा बेटवा क्या कर रहा है यार,
उनको पता है, क्योंकि हम बहुत सारे ऐप में काम किए थे, उनका बेटा भी काम किया था, मैं भी काम किया था, शेयर चैट वगैरह इसमें काम करते थे ना, तो वीडियो बनाने का अपना फंडा रहता है, उनको मालूम है, तो वो उतना ध्यान नहीं देगी। फिर भी हंस रही है ये, ऐसा बात कर रहा है करके। तो बारिश, ये देखिए धूप, सूरज आ रहा है, निकल रहा है, ये देख सकते हो, जगह पे बारिश है, जगह पे यहाँ पे छाँव है, आगे जाके आगे गए तो वहाँ पे धूप है। ऐसे आते रहते हैं, गांव में मौसम बदलता रहता है और खेती करना तो मुश्किल रहता ही है, आपको पता है, ये लाइफस्टाइल तो ऐसे ही रहते हैं एक किसान की। फिर भी मैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस पे ध्यान देता हूँ और खेती में भी ध्यान दे रहा हूँ। अभी जब बारिश का मौसम होता है तभी मैं इसको खेती को ध्यान देता हूँ, जब धूप का मौसम रहता है तो अपना बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा संभालता हूँ, क्योंकि खेती में इतना डिपेंड रहना अभी चूक भूल बोलते हैं उसको, इतना ये नहीं रहता। तो चलिए अभी हम निकलेंगे, अभी बारिश आने का टाइम हो गया, अभी देखिए पास में आ रही है, क्योंकि यहाँ से जाते जाते घर तक जाते जाते बारिश आएगी, तो हम निकलेंगे यहाँ से। मुझे क्योंकि मैं बुखार भी वारी के वीडियो बनाया था ना, तब बारिश में भीगा था, इसलिए मैं बीमार था, अभी भी बीमार हूँ, थोड़ा बहुत हूँ, मगर फिर भी निकलेंगे, ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि घर एक बार सर भीग गया तो ख़त्म, आजारी, या वो जो क्या बोलते हैं, आजारी बोलता हूँ मैं, बीमार पड़ जाऊँगा और उसके बाद अपना खेल खलास। तो चलिए सीधा मिलते हैं, चलते चलते अपना ब्लॉग बनाते, और इनको अभी लेके जाएंगे यहाँ से, ज़्यादा नहीं चराएंगे इनको, क्योंकि बारिश आ रही है, बारिश आने के बाद घर के सामने ही चराएंगे। अगर भाई चल की चल 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 चलना बाबा, बारिश आ रही है, देखा गे, चल यहाँ से। अरे बाबा तू भी चल, इसका पैर अटक गया, फंस गया, ये निकलना पड़ेगा, नहीं तो पता क्या है, ये ऐसे ही जो पैर नहीं जैसा आएगा पीछे पीछे, तो इसको आगे ही भगाना पड़ेगा। चल चल चल, इसका नाम हम क्या रखेंगे, भैंस का नाम क्या रखेंगे, आप ही बताओ, भैंस का नाम क्या रखूँ। ये तो चले भैंसे, ये देखिए बछड़ा है इसका, ये जो मेल है, ये मेल है, और मेल बछड़ा है, इसको अभी हम बेच देंगे, छोटा ही है, ये कुछ काम का नहीं है हमको, हम इसको ये भी नहीं रखेंगे, क्योंकि जो पालते हैं उनको दिया तो अच्छा है वो, और इसके लिए हम अभी इसको बेचेंगे, 5-6 दिन में जाएगा ये दूसरे के घर पे, क्योंकि अभी इसका दूध भी ख़त्म हुआ है, ये खा सकता है चारा वगैरह, और इसीलिए हम लेके इसको बेचेंगे और इसको अकेले को रखेंगे, इस भैंस को। और उसके बाद अभी ये 6 महीने प्रेग्नेंट है, तो देखेंगे आगे क्या क्या होता है, आगे जो फीमेल देगी तो उसको रखेंगे, तो नहीं तो ऐसा बछड़ा हो गया मेल तो उसको भी बेचेंगे, तो ऐसा सीन है। अभी इसका पेट भर गया मुझे शायद लग रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं खाई गया अभी, क्योंकि पहले से ही धूप के मौसम में इसको कम पड़ा था जो चारा था, इसका पेट छोटा हो गया। तो चलिए देखेंगे, बारिश तो आ रही है, हम निकल रहे हैं घर पे, और ये बारिश पक्का आएगी, मुझे पता है, थोड़ी बहुत तो आएगी ही आएगी। चल ना यार, बारिश आ रही है, तू मेरा सर मत खा अभी, चल। ये अपनी रोड है, अपनी जो ये है गांव की रोड है, ये यहाँ से आते हैं लोग, यहाँ पे जाते हैं, और ये देख सकते हो। चलना यार, क्यों डर रहा है, मेरे को क्यों डरता है यार, मालिक हूँ मैं तेरा, तेरा पूरा ठेका ही लिया जैसा मैंने, खाना पीना यार मैं खुद नहीं करता, उतना ही इनको संभालना पड़ रहा है, जितना मैं ये नहीं करता हूँ उतना संभालना पड़ रहा है। देखिए ये बारिश, यहाँ पे जो यहाँ पे जैसे दिखते हैं वैसे बादल नहीं दिखेंगे, तो ये बारिश है। चल, हमारी जो मदर जो लैंग्वेज है यहाँ की महाराष्ट्र की, वो मराठी है, तो मराठी में हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको पुकारते हैं, जैसे कि हलिया, रेडी 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 करते हैं, जब इनको पुकारना है तो रेडी
हाँ हू करते हैं, तभी ये जाते हैं, नहीं तो सुनते नहीं यार, कुछ भी बोल दो सुनते नहीं है, ऐसा सीन रहता है इनका। चल ऐसा बोलना पड़ता है, हमारे जो मुंह में बैठ गए यार, जब बचपन से ही करते आ रहे थे ना तो मुंह में बैठता ही है, और इनको जब भी पुकारना है तो इस तरह से ही पुकारते हैं। अभी 3 मिनट हो गए, कम से कम एक 10-15 मिनट में आ जाएगी बारिश, और ये आ गई है सामने ही है, अभी देखेंगे। वो जो पिछला गांव है 10-15 किलोमीटर रह गए, अभी अभी 10-15 मिनट में आ जाएगी बारिश, तो हम जब तक इनको उनके ठिकाने पे जाके बांधेंगे, उसके बाद हम घर में अपना जो फार्म हाउस है उसमें बैठेंगे। तो अभी हम निकल रहे हैं घर पे, ये देख सकते हो भैंस लेके, और यहाँ से हम जा रहे हैं घर पे, वहाँ से आ गए, ये देखिए इस रास्ते से आ रहे थे, और बारिश आ गई है सामने ही है, अभी दूसरे गांव में है, वहाँ से आने को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट में आ जाती है। तो छोटा छोटा बूंद गिर रहा है, आपको दिखा दूंगा मैं, घर तक जाने तक आ जाएगी बारिश, इतनी बड़ी बात नहीं है, आने के बाद सब भीग जाऊंगा यार, इसीलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ, क्योंकि वो मैं बीमार था ना, तो इसीलिए। यहाँ पे हमारे चाची जी यहाँ पे कुछ काम कर रही है, और ये एरिया पूरा हमारा है, तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, तो हमारे सगे सोहरे जो चाचा चाची नाना नानी वो सब लोग यहाँ पे रहते हैं। हमारा फार्म हाउस आ गया अभी, तो देखिए हवा बढ़ गई है तो बारिश आ जाएगी। लाइव है ये तो है लाइव, और अभी हम दिखाएंगे आपको, थोड़ी देर बाद आएगी, इतने नहीं बाद आएगी, आएगी बारिश तो आएगी, क्योंकि आ गई लाइव दिखाऊंगा। हमारे पिताजी भी आ गए हैं, बकरी लेके गए थे वो भी आ गए, और बारिश भी आ गई, तो चलिए अभी बारिश का थोड़ा व्यू देखेंगे, उसके बाद हम घर पे जाएंगे, खाना खाएंगे, ये वीडियो एडिट करेंगे और आपको वीडियो दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन दबा देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए भैंस पानी पी रही है, इसको पानी पिलाना जब तक बारिश आती है तब तक, नहीं तो बारिश आ गई तो पानी नहीं पिएगी ज़्यादा, इसलिए जल्दी पीना मांगता था, वो पी रही है अभी। उसके बाद हम घर पे जाएंगे और खाना खा के पी के आराम से वीडियो बना के सो जाएंगे। ओके देखिए यहाँ पे बारिश आ गई है, और बादल भी वही है, देख सकते हैं यहाँ पे। ज़्यादा भीगना नहीं है हमको, क्योंकि बारिश आ गई है ज़्यादा, इसलिए हम अभी जाएंगे घर के अंदर, और उसके बाद आगे का व्यू। हमारे जो बदन पे है ये बारिश हो रही है, तो फिलहाल हम जा रहे हैं घर पे, और ये देखिए टू व्हीलर पे जा रहे थे हम, और ये गाड़ी का व्यू, ये बारिश हो रही है, ये मौसम की जानकारी हमको बहुत अच्छी रहती है यार, कोई किस कौन सा भी ऐप रहने दो, उससे ज़्यादा हम खेती वालों को जो किसान रहते हैं उनको मालूम रहता, ज़्यादा बारिश नहीं आई है साइड पे गई है बाजू वाली गांव में, तो फिर भी थोड़ी बहुत आएगी। हम जा रहे हैं घर पे अभी, तो घर पे जाके वीडियो बनाएंगे, मतलब ज़्यादा हो गई है अभी, ज़्यादा आ गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।